जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुफियान और स्वागत है आप सभी का टेक हेडलाइंस के एक नए एपिसोड में, जहां दोस्तों मैं आपको बहुत ही अमेजिंग टेक न्यूज बताता हूं। आज तो दोस्तों बहुत सारे टेक न्यूज आए हैं, बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हुए हैं, जल्दी से आपको सब कुछ बताता हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, अगर आप दोस्तों Redmi Note 11 T 5G के बारे में कुछ भी जानना चाहते हो तो कल रात को वीडियो बना के आपको सब कुछ बताया था मैं, इंडियन प्राइस, अवेलेबिलिटी, स्पेसिफिकेशंस। नहीं देखिए हो तो आई बटन पे दे देता हूँ, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। और आई बटन के सारी वीडियोज का चेकआउट करिए, बहुत अच्छे वीडियोज बनाता हूँ, आपको जरूर से पसंद आएंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सैमसंग से। सैमसंग गैलेक्सी A73 5G के रेंडर्स आ चुके हैं, देख लो यार, लेट्स गो डिटेल इसको बनाए हैं। देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर से वही सैमसंग के टिपिकल स्मार्टफोन के जैसा ही डिजाइन है, कुछ भी चेंजेस नहीं है यार। सैमसंग थोड़ा सा चेंज करो, कैमरा हाउसिंग के डिजाइन को थोड़ा सा चेंज करो, कुछ नया लुक्स लेके आओ अपने स्मार्टफोन्स में। वही हिसाब पिटा हुआ डिजाइन बार बार हर सभी स्मार्टफोन्स में दे रहे हो, मजा नहीं आ रहा है। और यहाँ पर भी आपको 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपको पहले ही कह चुका हूँ, सैमसंग पूरी कोशिश कर रहा है कि अपने जितने स्मार्टफोन्स हैं उनमें से जैक जानबूझ के हटा दे। भाई इतना मोटा स्मार्टफोन है, उसमें जैक आराम से लग जाएगा, क्यों फालतू का जैक हटा दे रहे हो यार, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। वैसे आपको ये स्मार्टफोन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना, जैसे कुछ नए इन्फॉर्मेशन आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा, आपके ओपिनियंस भी कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी इंटरेस्टिंग है। देखो यार, आप रियलमी को तो जानते हो, हर महीने वो सी सीरीज के नए स्मार्टफोन्स को लॉन्च करता था, लेकिन दो महीने से लॉन्च नहीं किया अभी तक, लेकिन अब लॉन्च करेगा रियलमी C35 बहुत ही जल्द आपको लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। सर्टिफिकेशंस और बहुत सारे दोस्तों जगहों पे वो पकड़ा भी गया है, मॉनिटर कंफर्म हो गया है C35 रहेगा। अब देखते हैं कैसे स्पेक्स प्रोवाइड करता है, कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा आपको मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट काफी अच्छा है, Vivo Y76s 5G आज से ठीक दो हफ्ते पहले चाइना में लॉन्च हुआ था, वीडियो भी बनाया था मैं, आई बटन पे दे रहा हूँ, जल्दी जाके क्लिक करके देखो, सब पता चल जाएगा। ये जो स्मार्टफोन है 23 तारीख को मलेशिया में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन एस हट जाएगा, Vivo Y76 के नाम से लॉन्च होगा। आपको फिर से वीडियो बना के मैं सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, स्टे ट्यून करिएगा। वैसे और इन्फॉर्मेशन के लिए जाके वीडियो देख लो, सब पता चल जाएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है ओप्पो A55s 5G की तरफ से, आज ये जापान में लॉन्च हो चुका है। जितने भी स्पेसिफिकेशंस, प्राइजेस जो कुछ भी है सब साइड में दिखा रहा हूँ, देख लो यार। मेरे को पता है प्राइस के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकेशंस अच्छे नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, ओप्पो और वीवो का यही स्टाइल है, जो अपने स्टाइल में स्मार्टफोन्स को लॉन्च करते हैं। वैसे आपके क्या ओपिनियंस हैं इस स्मार्टफोन को लेकर कमेंट करके जल्दी से बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है ओप्पो फाइंड X4 की तरफ से। ओप्पो फाइंड X4 में आपको 80 वॉट का फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा, कुछ और अगर पता चलेगा तो ऐसे ही बताता रहूंगा मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Redmi K50 सीरीज की तरफ से। Redmi K50 सीरीज के ज्यादातर स्मार्टफोन्स में आपको 2K OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा, क्योंकि वो वेबो पे पोस्ट रखे थे Xiaomi China, पोस्ट में पोल रखे थे, ठीक है, पोल चूज करते हैं ना। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है Realme Narzo 50A Prime भी बहुत ही जल्द आपको दिखाई देगा। हाँ, एक नया स्मार्टफोन है, अब देखते हैं ये क्या कमाल धमाल करता है, कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा मैं, लेकिन नाम बहुत अतरंगी है, Realme Narzo 50A Prime Pro Plus Ultra Max, सॉरी। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही शानदार है, Vivo के नेक्स्ट सीरीज के दो नए स्मार्टफोन्स आपको बहुत ही जल्द दिखाई देंगे। शुरुआत में हम लोगों को पता चला था कि Vivo नेक्स्ट 5 होगा, लेकिन नहीं, अब सर्टिफिकेशन पे दो नए नाम आ चुके हैं और कमाल के नाम है, सुनोगे तो आप भी खुश हो जाओगे। Vivo नेक्स्ट 10 आएगा, ये दोस्तों बहुत ही हाई एंड डिवाइस होगा, काफी प्रीमियम लुक्स, प्रीमियम स्पेसिफिकेशंस और प्रीमियम डिजाइन के साथ आएगा। और Vivo नेक्स्ट फोल्ड यानी कि जो Vivo का फोल्डेबल स्मार्टफोन है वो नेक्स्ट सीरीज के अंदर में लॉन्च होगा, और आपको अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में Vivo नेक्स्ट 10 लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा, एंड प्रॉबली सेकंड क्वार्टर के आसपास फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च होता हुआ दिखाई देगा। अब देखते हैं यार, कुछ और अगर पता चलेगा तो बताऊंगा मैं। अब तो कंफर्म ही हो गया है कि नेक्स्ट सीरीज के अंदर फोल्डेबल स्मार्टफोन लॉन्च होगा, और Vivo नेक्स्ट 10 भी आने वाला है, मॉनिटर कंफर्म हो गया है, जो नाम। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट अगर आप सुन लोगे ना, आपके दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, आप 5 मिनट बैठ जाओगे। ओप्पो रेनो 7 प्रो दोस्तों आज Geekbench पे पकड़ा गया है, और जानते हो कौन सा प्रोसेसर है, फिर से आपको MediaTek Dimensity 1200 ही मिलता है। चाचा का वो थोड़ा ही। अरे भाई बहुत अच्छा प्रोसेसर है, मुझे पता है, लेकिन भाई कुछ तो चेंज करो यार, कुछ तो चेंज कर दो। यहाँ पर Snapdragon 870 कितना अच्छा प्रोसेसर है, उसको तो दे दो, हर बार वही चेप रहे हो। अरे यार ये तो प्रो मॉडल है, इसमें तो कुछ चेंजेस करो यार, कुछ तो कर दो। वैसे आपके क्या रिएक्शन हैं, ओपिनियंस हैं, कमेंट करके बताओ। 8GB रैम है, एंड्रॉइड 12 है।
चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही अमेजिंग है, फाइनली मोटो G200 या फिर आप इसको मोटो एज S30 भी कह सकते हो, ये आज दोस्तों यूरोपियन मार्केट्स में लॉन्च हो चुका है। सारे स्पेसिफिकेशंस, प्राइस सब कुछ साइड में दिखा रहा हूँ, एंड थैंक गॉड यहाँ पर आपको TFT पैनल नहीं मिलता है, IPS LCD पैनल मिलता है। क्या ना सर्टिफिकेशंस पे जब TFT को मैं देख लिया था ना, जब सर्टिफाई हुआ था TFT पैनल के साथ, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे भाई। लेकिन अब IPS LCD पैनल देख लिया हूँ तो सुकून मिला यार। 37,000 रुपये का प्राइस है एंड गजब का प्राइस रखा है भाई, 40,000 रुपये में स्नैपड्रैगन 888+, दिल खुश कर दिया मोटोरोला यार। और इंडिया में भी काश ये स्मार्टफोन आ जाए, मज़ा आ जाएगा यार। अगर ये 45-46,000 रुपये के आसपास भी आ जाएगा ना, दिल खुश हो जाएगा। वैसे आपको ये स्मार्टफोन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है गैजेट डेटा की तरफ से। ये दोस्तों बहुत बड़े टिप्टर है ट्विटर पे, जो जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं ज्यादातर वो सही होता है। ये दोस्तों रेडमी नोट 11 सीरीज के जो नए स्मार्टफोन्स इंडिया में लॉन्च होंगे ना, उनके प्रोसेसर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दिए हैं, जिनके बारे में अगर आप सुन लोगे तो आप सैड हो सकते हो। रेडमी नोट 11 में आपको स्नैपड्रैगन 680 मिलेगा, 4G प्रोसेसर है। रेडमी नोट 11 प्रो में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G मिल जाएगा, और वही आपको रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स में भी देखने को मिलेगा। काश ऐसा हो जाए कि भाई Redmi Note 11 में 690 5G प्रोसेसर मिल जाए, Qualcomm Snapdragon 690, और 11 Pro में आपको 750G ही रहने दो, और 11 Pro Max में 768G कर दो। अगर ऐसा हो गया तो दिल खुश हो जाएगा। वैसे देवी एंड्रॉय कहे हैं टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट, मैं अरुण सर का डायलॉग कॉपी नहीं कर रहा हूँ यार, वो खुद बोले हैं टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। कुछ बढ़िया चीज़ होता तो नमक डाल के खाता मैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है मोटो G71 5G की तरफ से, आज ये भी लॉन्च हो चुका है। साइड में सारे स्पेक्स और प्राइसेस आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लो यार, अच्छे स्पेक्स दे रहा है, OLED पैनल के साथ आ रहा है, और जितने भी इमेजेस रेंडर्स हैं वो भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप टेंशन मत लो, सारे स्मार्टफोन्स के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो क्रिएट करूंगा मैं, बस स्टे ट्यून करिएगा आप, कल परसों में आपको सारे स्मार्टफोन्स के ऊपर वीडियोस मिल जाएंगे। अभी आगे का टेक न्यूज़ देखो, पता चलेगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है मोटो G51 के तरफ से, ये भी लॉन्च हो चुका है यूरोप में। साइड में स्पेसिफिकेशंस प्राइसेस दिखा दे रहा हूँ, देख लो यार, अच्छे स्पेक्स हैं, इसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो आएगा, स्टे ट्यून करिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है मोटो G41 की तरफ से, ये भी लॉन्च हो चुका है। साइड में सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस प्राइसेस आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लो यार, और ये स्मार्टफोन कैसा दिखाई देता है, जितने भी इमेजेस है रेंडर्स है सब कुछ आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, अपने ओपिनियंस कमेंट करके जल्दी से बताओ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है मोटो G31 की तरफ से, ये भी लॉन्च हो चुका है। साइड में सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस प्राइसेस दिखा दे रहा हूँ, देख लो यार, और जितने भी इमेजेस रेंडर्स हैं वो सब आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लो, सबके ऊपर वीडियो आएगा, स्टे ट्यून करिएगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है मोटो जी पावर 2022 की तरफ से, ये भी दोस्तों आज लॉन्च हो चुका है। साइड में सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस प्राइसेस आपको दिखा दे रहा हूँ, देख लो यार, और ये स्मार्टफोन कैसा दिखता है ये भी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। मोटोरोला तो आज मेहरबान हो गया यार, जितने भी अपने पेंडिंग स्मार्टफोन्स थे सबको लॉन्च कर दिया। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्रिप्टो करेंसी दोस्तों जो है ना वो इंडिया में अब एक एसेट की तरह हो चुका है। जैसे कि आप गोल्ड प्रॉपर्टी सबको रखते हो ना, वैसे ही दोस्तों अब क्रिप्टो भी रहेगा, करेंसी आप उसको नहीं यूज कर सकते हो, मतलब कि किसी चीज के बदले में आप क्रिप्टो करेंसी नहीं दे सकते हो। मान लो कि मुझे समोसा खरीदना है तो उसके लिए मैं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट नहीं करूंगा मैं, ठीक है ना, मैं पैसे दूंगा, तो क्रिप्टो करेंसी करेंसी नहीं है इंडिया में, वो दोस्तों एक रखने की चीज है, जैसे कि गोल्ड है प्रॉपर्टी है, वैसे ही दोस्तों क्रिप्टो भी है। तो बस यार यही अपडेट था, आपको बता दिया, और चलो समोसा खाते हैं लाल चटनी के साथ। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4 की तरफ से। सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4 में आपको अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, मतलब कि वो अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ आएगा। जैसे कि आपको सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 दिखाई दिया था अंडर FPS के साथ, अंडर डिस्प्ले कैमरा के साथ, वैसे ही Z Flip 4 दिखाई देगा, और Z Fold 4 भी अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। बस यार ये अपडेट था, बता दिया मैं। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अगले अपडेट के बारे में। अगला अपडेट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अगला अपडेट आ रहा है Realme GT 2 Pro की तरफ से। इसके जितने भी स्पेसिफिकेशंस मुझे पता चले हैं सब आपको साइड में दिखा रहा हूँ, देख लो यार, आपको कुछ ऐसे ही स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे Realme GT 2 Pro में। वैसे आपको कैसे लग रहे हैं स्पेसिफिकेशंस कमेंट करके जल्दी से बताओ, और कुछ पता चलेगा तो बताता रहूंगा मैं। प्राइस तो बता ही चुका हूँ यार, 60,000 रुपए के आसपास लॉन्च होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल अपडेट के बारे में। फाइनल अपडेट आ रहा है सैमसंग गैलेक्सी A13 5G की तरफ से। इसके रेंडर्स आ चुके हैं, देख लो यार, आपको ये स्मार्टफोन कुछ ऐसा दिखाई देगा। स्पेक्स बताया तो फिर से बता देता हूँ, 6.48 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD पैनल, डायमेंसिटी 700 के साथ आएगा, 50:5:2 का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 8 का सेल्फी। कुछ और अगर पता चलेगा तो मैं आपको बताता रहूंगा।
तो दोस्तों बस यही था फाइनल अपडेट। आई होप सो कि आपको आज का टेक न्यूज पसंद आया होगा। अगर आपको दोस्तों आज का टेक न्यूज पसंद आ गया तो इस वीडियो को तुरंत से लाइक कर दो, एम करते हैं 70 लाइक का, जल्दी से कर दो यार। और चैनल पे नए आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और साइड के बेल आइकन को भी दबा दो। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर करो और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा टेक न्यूज अच्छा लगा। और मैं ही आप लोग के लिए इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो क्रिएट करता रहता हूँ, रात को टेक न्यूज भी देता हूँ, तो टेक न्यूज भी जरूर से देखा करो। और मैं मिलता हूँ आप सभी से अगले और एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। हमेशा अपना ख्याल रखो, खुश रहो, चलो बाय। We'll be right back.